जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं जो बताऊंगा अभी इस वीडियो में वो है माता भगवती का भोग के बारे में। दो भोग प्रतिपदा तिथि को, द्वितीय तिथि को मैं बता चुका हूँ। शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को माता जी को क्या भोग लगाएं और क्या फल मिलता है, इसके बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस समय अधिकतर लोगों को किसी न किसी प्रकार का दुख अवश्य होता है, कोई ना कोई पीड़ा अवश्य होती है। तो ऐसा क्या करें, किस चीज़ का ऐसा भोग लगाया जाए मातेश्वरी को, माँ जगदम्बा को, जो सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाए। तो दोस्तों, वो है दुग्ध। माँ जगदम्बा को यदि शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को दुग्ध का भोग लगाया जाता है, और ब्राह्मण को जो पूजा पाठ करता है उसको यदि दुग्ध का दान किया जाए, तो माँ भगवती प्रसन्न होकर उस व्यक्ति के, उस साधक के सभी दुखों का नाश कर देती है, ऐसा देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है। तो यदि आप भी किसी प्रकार के दुख से पीड़ित हैं, दुखों का नाश चाहते हैं, तो माँ जगदम्बा आपकी अवश्य मदद करेगी। दुग्ध का आप भोग लगाइए, दान कीजिए, फिर आप इसका चमत्कार देखिए। अगले वीडियो में मैं चतुर्थी के भोग के बारे में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, श्री राधे।